हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज है नया दिन और आज अभी मैं आया हूँ मुरली प्रभु के साथ। खैर आप नहीं जानते हो, अभी मिलवाता हूँ मैं। अभी मैं आया हूँ मुरली प्रभु के साथ 31 सेक्टर, थोड़ा सामान लेना था। आज घर पे थोड़ी सी पूजा है, एक छोटी सी पूजा है सत्यनारायण की कथा। तो चलो पहले थोड़ा सा विधि से सामान लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। मामू वहीं पहुँच जाएंगे। रात को बहुत लेट हो गया था, सोते हुए एडिटिंग करनी थी, उसमें 1.5-2 घंटे लग गए थे मुझे। और सुबह जल्दी उठ गया, बस अभी आया हूँ। तो चलो चलते हैं अब। प्रभु जी रात को भी तो लेट सोए थे, मैंने बताया था प्रभु जी को। मुरली प्रभु घर पे आए, मैं सो रहा था, उन्होंने उठाया मुझे। कह रहे बुजुर्ग को बता रहे साहब सो रहे थे। मैंने कहा भाई पता है क्या, पूजा वगैरह में मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, और ये कुर्ता पजामा ऐसा बनवा लिया, इसमें जेब भी नहीं है। अब चाबी भी हाथ में, पर्स तो चलो गाड़ी में रख दिया, फोन भी हाथ में। मुरली प्रभु चलो चलते हैं। ये है हमारे मुरली बाबू। जय कृष्ण भैया। जय जय। बस अभी हम जा रहे हैं, केले के पत्ते लेने जरूरी हैं। वो भी भाई जगन्नाथ टेंपल के बाहर सब कुछ मिल जाता है। देखो आंवले का पेड़ है, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, किन्नौर का पेड़ है। मुरली बाबू किन्नौर है ना? हाँ। किन्नौर का फूल है? किन्नेर का है, ये भूल गया था मैं। चलता है। वैसे देखा जाए तो हमारे जो चंडीगढ़ है ना, इधर सारे धाम है। गोड़िया मठ भी है, इस्कॉन भी है, जगन्नाथ टेम्पल भी है, मतलब पूरी भी है, इस्कॉन मठ सब कुछ ही है यहाँ पे। बस रस्ते में रुक रहे हैं, जहाँ जहाँ पे अपने मतलब का सामान मिल रहा है मुरली प्रभु वो ले रहे हैं, और लेके वो घर चल रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है ना, 3-4 जगह गाड़ी रोक चुका हूँ मैं। अभी हम पहुँच गए हम घर पे, बस तैयारी कर रहे हैं कथा की। उसका कथा करते हैं, फिर जो भी काम करना है वो करते हैं। मामू को एक आज छोटा सा काम है, इसलिए वो वहाँ पे गए हैं, बस आ ही रहे होंगे रस्ते। तो चलो भाई घर पे पूजा पाठ होने के बाद अभी निकले हैं। बच्चों ने जाना है पिंड, जरूरी है क्योंकि इनको स्कूल स्टार्ट हो रखे हैं। मैंने बोला था कि रुक जाओ, लेकिन कोई रुई रुक जाए यार, स्कूल जाना है। चलो कोई गल नहीं, स्कूल जाना, लेकिन आ जाएंगे जल्दी। तो पहले इन्होंने छोटे चली है आ लेट, तू तो हो रही है, ओ हो रही है छोटे वाला। फिर जब मैडम बोलना है कि मैडम और छुट्टी दे दो, फिर इसको ना मैंने बोला था मैं ना तेरे को चिज्जी खिलाऊंगा जब चलेंगे कभी। भाई पूरे रस्ते में बच्चे साथ थे, बोला नहीं बिल्कुल भी कुछ खाने के लिए, कुछ नहीं बोला। ये अभी जैसे ही उनको ड्रॉप किया ना, कहंदा तू कहंदा सीगा वो खवाता दे। मैं कहा अच्छा, उन्हां दे सामने क्यों नहीं बोलिया तू? कहंदा वो भी खान लग जाणगे। अच्छा फिर की होया, साडे भरा भैणी है खा लिंदे इन्होंने खान देने सी। एकदम तेन याद आ गया है ना कि मैं बोलिया सी तेरू खान लई कुछ? चल ठीक है, की खाना? पतले पुत, खुआना पिलाना ना चंगी गल हुंदी है, समझा? जे तेरे कोल हैगा ना तां दूसरे नूं भी दिया कर, ठीक है ना? चंगी गल हुंदी है, समझ गया? बोलिया नहीं जब तक वो बैठे सीगे, जब नहीं बोलिया बाबा बहुत दिमाग तेज है। आई नहीं, इहदा नाम पता की है? चाणक्य। सही पाया भाई तेरा नाम चाणक्य। याद भी तेनू किवें रहा यार ना, याद भी किवें रहा? चलो अच्छा पारी कर ला, फिर खाऊंगा। पारी कर ला अपने 4 दिन जो टुटे हुए। चल ठीक है, ओके। चल हम दस की खाना है? पतले जे की होंगे मेनू की पता, पतले जे के इथे दसता सी कह जी दुकान च मिलन गए। किस च? हूँ उन्होंने बोलूंगा कि मैं जाके दस, पहला मैं रेस्टोरेंट चला भी जाऊंगा, मैं की बोलूंगा उन्होंने जाके? पतले जे भैन दी, केड़ी पतले जे है जे, केड़े है पतले जे? उन्होंने मैं जाके आ बोलूंगा भाई पतले जे दियो यार, ऐ बोलूंगा जाके? दस मैं की बोलूंगा जाके, तू खुद दस। पतले पापा बाबा बोंदले पै, मैं केड़ा यार पतले जे यार। भाई घर पे आके ना अब मेरे को पता लगा, ये बोल रहा था आलू के पतले पतले से, वो हो रहा था फ्रेंच फ्राइज। इधर इधर
है ना फ्रेंच फ्राइज थी ना, फिर इन्हू आप स्पेशल ऑर्डर करके मंगा के खाए। हूँ कन्न बंद कर, इधर आ, इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा, आ जा जा, खा ले स्वाद सी के, स्वाद सी के बढ़िया सी ना। हाँ चल हूँ कन्न बंद कर रहा, कन्न बंद कर। एक्चुअली हुआ क्या, मासी ने घर पे बना दिए, घर पे बना के ये भाई साहब ने पैक करके वो भी ऑर्डर करके आया, खुश हो गया। टेस्ट करते स्वाद सी ना, उस वीक वर के नाम मासी है। हाँ मैं कोई गल नहीं, हूँ इन इदा ही इतने हूँ मैंने पता लग गया तो की कहता सी, आलू वाले पतले पतले रेस्टोरेंट चो मिल जाएंगे, हूँ पता लग गया है। कहना ब्याह च खाए थी मैं, आज भी बहुत काम थे, बहुत काम थे आज भी, तो बस अभी जस्ट फ्रेश होके बैठा हूँ मैं। और मेरे को मेरे दोस्त का फोन आया भाई कि तू सही टाइम पे आ गया दुबई से, वरना दुबई में तो बहुत ज़्यादा ही फ्लड आ रखा है। वही बस वही देख रहा था मैं भी कि दुबई में सच में फ्लड आ रखा है यार। 2 घंटे की बारिश हुई है और इतना फ्लड आ गया दुबई में, मतलब गाड़ियाँ तक डूबी पड़ी है। देखो यार बुरा ही हाल है यार। चलो तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय, हरे कृष्णा।